हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर ज़फ़र एंड मिसेस ज़फ़र। कैसे हो आप सब? तो मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। चलो, आपका टी बन गया, चाय बन गया। ये इतना मोटा मोटा बोलती है और आज चाय ब्रेड खिला रही है। चाय ब्रेड में कैसे काम चलेगा मोटे आदमी का? कुछ और बना दो ना बाबा ना, एक बार डिमांड किया था उसके बाद बर्तन साफ करना पड़ा था, आज पता नहीं नहीं क्या कराओगी क्या। बर्तन साफ? ना बाबा ना, काम चल जाएगा ब्रेड चाय में। तो आप अभी ब्रेड चाय खा के काम चलाओ। ठीक है बाबा, अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं जस्ट नहा के आ रही हूँ और मेरे हेयर पूरे गीले हैं, अभी तक सूखे भी नहीं। अभी ना इधर बहुत ज़्यादा गर्मी कर रहा है, पता नहीं कैसे मौसम, अचानक से बहुत बारिश हो जाता है, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा धूप निकल जाता है। और मेरे लंच वगैरह सब बन चुका है, रेडी है, और अभी सोनू आ जाए फिर हम लोग लंच करेंगे। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? और अभी इवनिंग के टाइम में हम लोग पी रहे हैं मैंगो जूस। किसको किसको पसंद है मैंगो जूस, कमेंट करके बताइए। यम्मी एकदम। इनको मैं बोली थी मैंगो शेक बनाना घर पे, तो ये मेरे लिए ले आए मैंगो का जूस। जूस खुद नहीं बनाए मेरे लिए। कौन बनाएगा, इतना मेहनत कौन करेगा, इससे अच्छा मैंगो जूस ले आया। जब थोड़ी गर्मी रहती तो ठंडी ठंडी मैंगो जूस अच्छी लगती है। हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हैं अब हम लोग जूस पीने के बाद छत ऊपर जा रहे हैं। घर में क्या बहुत गर्मी लगती है, इसलिए छत ऊपर जा रहे हैं ठंडी ठंडी हवा खाने। आप देख सकते हैं आज मौसम कितना प्यारा मौसम है। जब हम लोग छत पे आके घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, देखिए मौसम नज़ारा। हाँ, मौसम तो बहुत अच्छा है। क्यों, क्या है आज? बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों पता नहीं क्यों खुश है। तो हम लोग जा रहे हैं अपने पुराने गुआवा के पेड़ के पास, उसमें बहुत सारे फल रहे हैं। तो फाइनली हम लोग गुआवा पेड़ पास पहुँचने के बाद गुआवा तोड़ के खा रही है अकेला अकेला। क्या करोगे, छत पे है तो तोड़ के खाएंगे ही। उसको उसको पसंद है गुआवा खाना, पर सोनू कोई डिमांड नहीं करते। ना बाबा ना, एक बार याद है, एक बार की कहानी बताऊं? नहीं नहीं, एक बार याद है मैं पोहा पकोड़ा बनाने बोला था, ये बहुत टेस्टी नहीं, बनाती नहीं, है पोहा नहीं, पकोड़ा नहीं। तो मुझे पसंद है, मैं हमेशा खाता हूँ। तो उसको बनाने बोला, अभी से लगभग 2 ईयर्स पहले की बात है ना। तो ये गुस्सा में आके इतना पोहा पकोड़ा बनाई, इतना बनाई कि 3 टाइम हम लोग खाए उसी को, ना खाना, ना ब्रेकफास्ट, ना लंच, ना डिनर, कुछ नहीं, ना पोहा पकोड़ा, खाते खाते थक गया। उसके बाद 2 ईयर्स हो गए, मैं आज तक डिमांड नहीं किया हूँ पोहा पकोड़ा। आज ना बाबा ना, दोबारा नहीं खाना है, खा लेना थोड़ा सा, खा लेना। और 2 ईयर्स हो गया पोहा पकोड़ा खाया और दोबारा नहीं खाना है। दोबारा फिर से याद आ जाएगा, खा लेना। ना बाबा ना, एक बार झेल चुका हूँ। किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, दिखाई देता है तो वही कहानी याद आ जाता है। वो जिस दिन खाया था उस दिन क्या, रात में सपने में भी पोहा पकोड़ा दिख रहा था। अब कभी नहीं खाओगे? नहीं नहीं बाबा, वो सपने में भी नहीं सोचता हूँ मैं। अगर आप खाओगे तो बना दूंगी, बताओ। खा रहे बाबा? नहीं नहीं, उसके नाम से अब मेरे को डर लगता है। बिरयानी खाना है? बिरयानी ना बाबा ना, पूरा घर सफाई करना पड़ता है बाबा। अजान हो गई गाइस, अब मैं जा रही हूँ नमाज के लिए। और चलिए इस वीडियो का यहीं पास एंड करते हैं। और आप लोग को ब्लॉग अच्छी लगती है तो ब्लॉग को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाते रहेंगे। इसी तरह प्यार बनाए रखिए। बाय बाय।